आज मैं अपने दोनों हाथों का यूज करने वाला हूँ। रैम्बो लास्ट ब्लड, अभी जो आई मूवी जी, रैम्बो सीरीज की ये पांचवी मूवी है। फर्स्ट जो मूवी आई थी रैम्बो फर्स्ट ब्लड 1982 के अंदर, फिर इसकी सीरीज स्टार्ट हुई थी रैम्बो 1985 के अंदर, 1985 के अंदर रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट टू, फिर रैम्बो पार्ट थ्री 1985 के अंदर और 1988 के अंदर, और फिर 2008 के अंदर रैम्बो का फोर्थ पार्ट आया था। अब 11 साल बाद एक और मूवी आ रही है, एक और मूवी आई आ रही है क्या, आ चुकी है, अभी फ्राइडे को रिलीज़ हुई है, रैम्बो लास्ट ब्लड। इस मूवी के अंदर जो सिल्वेस्टर स्टॉलन है, इनकी जो एक्टिंग है वो वैसी ही है जैसे हमने फर्स्ट मूवी के अंदर देखी थी, बहुत सीरियस के अंदर, और एक पर्सन जो है वो लड़ता है बाकी दूसरे लोगों से वन मैन आर्मी के तौर पर। एक वाक्य हुआ था बॉलीवुड के अंदर, जब टाइगर श्रॉफ ने कहा था कि वो एक रैम्बो मूवी के ऊपर अपनी कोई मूवी बनाना चाहते हैं, तो सिल्वेस्टर स्टॉलन ने एक ट्वीट करके कहा था कि प्लीज़ ये मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है, जो ये रैम्बो सीरीज है उनके दिल के बहुत करीब है, तो कृपया करके इसे बर्बाद ना कर दे। ये तो बॉलीवुड वालों के ऊपर एक छोटा सा ताना भी कर सकता, ऐसे मैंने सुना था, बाकी आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ऐसे मैंने सुना भी था। और अब बात करें इस मूवी की, इस मूवी की कहानी की, जो मेन लीडर है वो तो आपको पता ही है, मेन जो करैक्टर है इसके अंदर सिल्वेस्टर स्टॉलन ही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी, वो है मेक्सिको और यूएस के बीच में जो दीवार बन रही है ना, वो मैं हैरान हो गया, मैं कह यार ये भी देखने को मिल जाएगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था इसके अंदर। शायद ये रिव्यू में आपको, रिव्यू करने वालों में ये कोई बताता नहीं होगा कि ये जो यूएस और मेक्सिको के बीच में एक जो दीवार बना रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी मर्जी से बनाए जा रहे हैं, मतलब अपने पैसों से। इन्होंने कहा कि जब इलेक्शन के टाइम में हो रहे थे इलेक्शन में, तब इन्होंने कहा था कि मैं मेक्सिको और जो यूएस के बीच में दीवार बना दूंगा ताकि इलीगल इमाइग्रेशन को वो रोक सकें वहाँ पर। तो मैं देख के बड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ था इस मूवी, मुझे ये देखने को मिल जाएगी, देखने को मिला मुझे, चलो देखा भी दीवार कैसे बन रही है। चलो बात करते हैं कहानी की। मूवी की कहानी बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा लेवल की, मैं हर बार उम्दा लेवल यूज़ करता हूँ, चलो बहुत बढ़िया है। अब इस मूवी में अब की बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग को दिखाया गया, कैसे लड़कियों को अगवा करके उनको बेचा जाता है, कैसे उनका यूज़ किया जाता है, ड्रग्स और लड़कियों का रेप इस मूवी के अंदर मेन फोकस यहाँ दिया गया है, मेक्सिको के अंदर दिखाया गया है। ऐसे ही कुछ होता है जिसमें जो सिल्वेस्टर स्टॉलन है, जो इस मूवी में जो उनका नाम है जॉन रैम्बो है, वो यहाँ पे वियतनाम की वॉर से अपने आप को पहले ही स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, उनके दोस्त इस लड़ाई में मतलब मर जाते हैं, जो उनकी यादों को लेकर वो अभी तक चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जॉन रैम्बो है वो अपनी यादों के ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है। वो कैसे कोशिश करता है कि ये इस मूवी में अपनी एक फैमिली बना लेते हैं, एक मारिया नाम से एक ओल्ड लेडी और एक गैब्रियल, वो अपनी एक उनको अपनी बेटी समझते हैं और उन्हीं पे फोकस करते हैं, उन्हीं को पालने में, उनके साथ रहने में वो बिजी रहते हैं, खुश रहते हैं वो अपने आप को, तो एक हैप्पी फैमिली वो बनाते हैं वहाँ पे। फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो पुरानी बातें याद आती हैं वियतनाम वॉर की, और उनसे वो रिलेटेड संघर्ष भी करते हैं। फिर इसी बीच जो गैब्रियल जो इनकी बेटी होती है, वो असलियत में इनकी बेटी नहीं होती, वो किसी और की होती है, तो गैब्रियल को पता चलता है कि इनके पिता मेक्सिको में कहीं रह रहे होते हैं, तो वो उनसे मिलने जाती हैं बाकायदा इसके कि जो जॉन रैम्बो उनको मना करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात होती है कि जब हम टीनेज होते हैं, टीनेजर होते हैं, या फिर हमारी जो उम्र तब 19 या 20-21 के करीब होती है, तब हम अपने माँ बाप की बातों को उतना ध्यान से नहीं देते, कि जबकि वो हमें सही डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं कि बेटा ये मत कर, ये तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन हम हमारे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी चल रही होती है कि हम उसको शांत करने के लिए हम वो कदम उठा जाते हैं। और इसी के अंदर ये लड़की भी ये हरकत कर देती है, ये अपने पिता से मिलने मेक्सिको पहुँच जाती है, बावजूद इसके कि जॉन रैम्बो कहता है कि ये सब करना ठीक नहीं है, वो अगर इतना ही अच्छा होता कि उसे छोड़ के क्यों चला जाता, उसकी मरती हुई माँ को वो देखने तक नहीं आया, ये सब बातें उसको बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
उस लड़की के अंदर ये क्यूरियस जानने वो चाहती थी कि भाई क्यों उसके पिता उसको छोड़ के चले गए, वो जानना चाहती थी, इसलिए वो मैक्सिको पहुंच जाती है। और जैसे ही वो मैक्सिको पहुंचती है तो जॉन रैम्बो कहता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, अभी इसको समझ लो थोड़ा सा, फिर जाना बाहर। लेकिन ऐसा वो नहीं सुनती। लेकिन जैसे वो जाती है मैक्सिको, उसके पिता से मिलती है, फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पड़ जाती है। जॉन रैम्बो उसको बचाने जाता है, और इसके अंदर जो स्टार्ट होती है, जो वॉर स्टार्ट होती है, वो बहुत देखने वाली है। मतलब कि एक इतनी छोटी मूवी है, आप कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई ये पता भी नहीं चलेगा। एक एक्सपीरियंस पर्सन दिखाया जाएगा इसके अंदर, जॉन रैम्बो, जो इतने एक्सपीरियंस है कि उनके साथ जो लड़ाई करने के लिए उनके घर पे आते हैं उनको वो ऐसे ही मतलब चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। इतना एक्सपीरियंस्ड, इतना वेल मेंटेन्ड ये पर्सन यहाँ पे दिखाए गए हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फाइट है, कैसे कैसे, और इतना जबरदस्त खून खराबा है कि गर्दन काट देना, हाथ पैर काट देना, फिर गले में यहाँ पे चक्कू, मतलब कमाल है। मतलब रोंग टर्न देखी होगी ना, रोंग टर्न के नज़दीक ये मूवी पहुंच जाती है वहां पे। इतना ऐसे गर्दन काट के बंदा लेके चला जाता है, वो अमेजिंग। लास्ट में अगर आप उससे कंक्लूजन पूछें कि मूवी कैसी है, कैसी देखनी चाहिए ना देखनी चाहिए, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाते हो तो हाँ देख सकते हो, मूवी बहुत अच्छी मूवी है। एक बार क्या, आप दो बार मूवी देख सकते हो, तो बहुत अच्छी मूवी है। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार और मूवी देख लूँ ये, क्योंकि अच्छी लगी मुझे मूवी। मेक्सिको की वो दीवार बड़ी अच्छी लगी मुझे, डोनाल्ड ट्रम्प साहब बड़े अच्छे हैं यार, जो कहते हैं वो बंदा कर देता है ये। अगर बात करें इस मूवी को स्टार देने की, तो मैं इसे दूंगा 8 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं हमारे उस डब्बे के अंदर, उस बॉक्स को पता नहीं क्या बोलते हैं, उस पात्र के अंदर, कमेंट पात्र के अंदर आप अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। एक बार क्या, दो बार क्या, तीन बार ये मूवी देखें, आप बोर नहीं महसूस करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा मूवी कब स्टार्ट हुई कब खत्म होगी। और इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। सीटियां बज रही थी हॉल में, तालियां पीट रही थी बहुत, एक जो पूरी जो थिएटर में देखने का मजा कुछ और होता है। आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।